videos, subscribe and like. नमस्कार, आप देख रहे हैं एसीटी न्यूज और मैं आपके साथ हूं कपिल पांडे। वितरण किया गया जो आपजा शरबत पुआया शाहजहांपुर के मानवाधिकार एवं भ्रष्टाचार निवारण संगठन द्वारा शाहजहांपुर जिला कारागार में रुआब्जा शरबत का वितरण किया गया। संगठन द्वारा ग्रीष्मकाल के चलते जिला कारागार शाहजहांपुर में लगभग 1700 महिला एवं पुरुष बंदियों को रुआब्जा शरबत का वितरण किया गया। कार्यक्रम आयोजित से पूर्व जेल अधीक्षक डॉक्टर बी डी पांडे की अनुमति हो कर आयोजित किया गया। इस अवसर पर संगठन के राष्ट्रीय महामंत्री शिव शुक्ला, मंत्री उमेश कुमार शर्मा व जिला अध्यक्ष विजय तन्हा, जेल अधीक्षक बी डी पांडे, जेलर राजेश कुमार राय एवं डिप्टी जेलर राजेश कुमार को माल्यार्पण करते हुए भगवान गणेश की प्रतिमा भेंट कर सम्मानित किया गया। आगे की रिपोर्ट देखिए हमारे सहयोगी संवाददाता कपिल पांडे के साथ। सर, मानवाधिकार संगठन द्वारा जो आज जिला कारागार में कैदियों को शरबत पिलाया गया है, इस संबंध में आप क्या कहना चाहेंगे? मानवाधिकार संगठन का ये बहुत ही सराहनीय कदम रहा है, अच्छी पहल की है उन्होंने। और जैसा कि मुझे जानकारी में आया है, मानवाधिकार संरक्षण एवं भ्रष्टाचार निवारण संगठन की जो शाहजहांपुर इकाई के पदाधिकारी हैं, ये जनपद में जन कल्याण से संबंधित काफ़ी अच्छे कार्य कर रहे हैं और मुझसे संपर्क किया था पदाधिकारियों ने कि हमारी ये इच्छा है कि जो जेल के बंदी हैं उनको शरबत पिलाना चाहते हैं, रुआब्जा वगैरह डाल करके अच्छा शरबत तैयार करके। तो हमने सहमति प्रदान कर दी थी और आज संगठन के पदाधिकारियों ने आकर के अपनी तैयारी के साथ और जेल के करीब जो आज की संख्या है 1650 बंदी आज जेल में निरुद्ध हैं, उन सभी को संगठन के पदाधिकारियों द्वारा शरबत पिलाया गया है। और बंदियों में इस बात को लेकर के काफ़ी उत्साह रहा, जब शरबत घोलना और रुआब्जा डालना और बर्फ़ वगैरह उसमें डालना, ये सब तैयारी लोग कर रहे थे तो बंदियों में काफ़ी प्रसन्नता की लहर दिख रही थी और काफ़ी उत्साह के साथ इसका आनंद बंदियों ने उठाया और काफ़ी अच्छा कार्यक्रम रहा। हम जेल की ओर से, अपनी बंदियों की ओर से, जो इनका संगठन है मानवाधिकार संगठन शाहजहांपुर इकाई, इसका हम हृदय से धन्यवाद देते हैं, हम आभारी।